सो गाइस ये जेड स्क्वायर मॉल में आ चुके हैं, आई मीन जेड स्क्वायर मॉल के पास बड़ा चौराहा ये एरिया है और इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त देख रहे हैं मुझे कानपुर सिटी में। मैं कुछ दिनों पहले ऑलरेडी कानपुर सिटी आ चुका हूँ और आज मैं आया हूँ मेरे शहर के बहुत बड़े बहुत फेमस मॉल में, जो कि जेड स्क्वायर मॉल है। एंड आप देख सकते हो कितना ह्यूज एंट्रेंस है। तो फिलहाल ये मैं जो है मेन एंट्रेंस से जा रहा हूँ और मेरे साथ है अली। सो गाइस, अभी फिलहाल मॉल के अंदर पहुँच गए हैं। ये है कानपुर की शान, जेड स्क्वायर मॉल, एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉल मैं कहूँगा। लाइफ स्टाइल ये सामने है और इस तरफ देख सकते हैं। इस मॉल में कभी भी आओ कुछ ना कुछ ये लोग सजाते रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े झूमर लगे। सो गाइस, चलिए इस वक्त इस मॉल को इंजॉय करते हैं और इस मॉल में घूमते हैं। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, आया बहुत ज़्यादा दिन बाद नहीं हूँ, लेकिन ब्लॉग बहुत दिन बाद बना रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग जो मैंने बनाया था थोड़ा टाइम हो गया, फेब में मैं आया था, जनवरी में आया था, जनवरी में मैंने ब्लॉग बनाया था। उस टाइम जो है पठान मूवी मैंने देखा था यहीं पे। वो ब्लॉग आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ। सो गाइस, यहाँ लोग थीम्स वगैरह बने हुए हैं। इस मॉल की खासियत यह है कि यहाँ कुछ ना कुछ थीम्स वगैरह पे ये लोग सजाते हैं। बड़ा सा LED लगा हुआ है। एंड ये देखिए, फिलहाल मैं जो हूँ ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, फर्स्ट फ्लोर देन सेकेंड फ्लोर, और इसके नीचे भी एक फ्लोर है। ये रहा वेस्ट साइड, एंड अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ थीम सजावट वगैरह। तो हमेशा इम्प्रेसिव कुछ ना कुछ इसके थीम्स रहते हैं, उस थीम्स पे ये सजाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। स्टारबक कॉफ़ी, सो अली लास्ट टाइम याद है स्टारबक हम गए थे। सो गाइस, कानपुर की शान जेड स्क्वायर मॉल ये है और इस मॉल पे अभी फिलहाल मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े के शॉप हैं चारों तरफ। तो दूसरी तरफ भी कपड़े का, ये तो फ्लोर मेनली कपड़े का। तो लेट्स गो और ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह बिक रहे हैं, मैन कंपनी। और जस्ट इसके नीचे बहुत पहले हुआ करता था कॉफ़ी शॉप, टिल नाउ बरिस्टा कॉफ़ी शॉप है। सो इस ये तो बहुत पुराना है, ऑब्वियसली मुझे याद है। तो गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है काफ़ी टाइम के बाद। अली, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? बहुत बढ़िया। ओके, तो गाइस ये मॉल की मैं बात बताऊं तो ये मॉल कानपुर में कानपुर का तीसरा बड़ा मॉल है। और ये सबसे पहले जो यहाँ खुला था, एक मॉल था उसका नाम था रेप 3, देन आफ्टर रेप मोती, उसके बाद ये मॉल है। वैसे और भी कई मॉल खुले हुए थे बट ये मॉल काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज इसका जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी जगह। ये बिल्कुल बड़ा चौराहा पे है और बड़ा डाकघर के पास में है, पास में ही लैंडमार्क होटल है, फॉर द टूरिस्ट बहुत आसान है। एंड यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, इवन यहाँ पे थोड़े दिन में जो है ना मेट्रो कनेक्टेड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए एफिल टावर बना हुआ नीचे, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ। ये रहा एरो, वन ऑफ माय फेवरेट शॉप। एक टाइम पे मैं यहाँ पे शॉपिंग बहुत करता था, अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब के लिए मैं दुबई में हूँ तो यहाँ पर मेरा उतना शॉपिंग होता नहीं है। पार्क एवेन्यू, ये सारे पुराने शॉप्स है गाइज। स्पाइकर, टिल नाउ स्पाइकर है, बींग ह्यूमन ये भी काफ़ी टाइम से है, देन आफ्टर ऑक्टिव, आई डोंट नो ये उस तक टाइम शायद नहीं था, मुझे याद भी नहीं। ये भी शॉप सामने मुफ्ती वगैरह, पीटर इंग्लैंड ये दिख रहे हैं, ये सब है। तो लेट्स गो टू द सेकेंड फ्लोर। तो गाइस, ये लेवाइस का शॉप भी बहुत टाइम से है, बहुत पुराना है ये। तो यहाँ पे भी मैं एक दौर में लेवाइस के कपड़े ख़रीदने के लिए सोचा करता था, द टाइम वो जब टाइम था और ये ऑफ़र चल रहा है, तो 3000, 2000, 1000, तो ये आप ऑफ़र पॉज करके देख सकते हैं। और ये रहा इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस स्पेशली फॉर मैरिजेस, और आप देख सकते हैं। सो लेट्स नॉट गो इनसाइड, रेमंड्स का शॉप है, एलन सोली, देन आफ्टर एंड वन ऑफ मोस्ट फेमस मैं कहूँगा मान्यवर, यहाँ से मैंने भी ड्रेस लिया हुआ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शॉप है। सो ये ड्रेसेस देख सकते हैं, क्या खूबसूरत यहाँ ड्रेस होता है। तो गाइस अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ भी देखते हैं। बाय द वे, इसके ऊपर वाले फ्लोर में जो है वो इधर भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह और डिफरेंट शॉप्स हैं। तो फिलहाल ये वाला फ्लोर जो है यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आप दूर से ही आप इधर से देख सकते हो।
ट्रेंड्स वगैरह, कपड़े का भी है ऑब्वियसली। तो गाइज जो सीढ़ियों से नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट भी है, दैट इज़ वेरी है। वेस्ट को प्लास्टिक वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है एंड वेट वेस्ट है। आई मीन आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी फोटोग्राफ बना है, तो आप फूड वेस्ट वगैरह या फिर पेपर डोमेस्टिक वेस्ट या अदर अदर वेस्ट को आप डाल सकते हो। ये रिसाइकल के लिए है, ये रहा स्क्रीन्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ। तो मदर केयर ये है बच्चों के लिए, और आई थिंक आई हैव टू बाय समथिंग ओवर हेयर फॉर माई डॉटर, सो लेट मी चेक। न्यू बॉर्न तो काफ़ी छोटा हो जाएगा ना अली, आफिया के लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा ना। तो गाइस ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा, बट आई थिंक सारे अली सर रेट होगा मेरा तो ये ठीक है। अली कैमरा पकड़ो ऐसा मुझे दिखा। मैम एनी डिस्काउंट है कोई? हाँ सर डिस्काउंट चल रहा है सर, इधर हमारा कुछ और मुझे ट्रायल्स लेना है 11 वन ईयर तक के बच्चे का, उनके लिए जो फ्रेंडली होता है ना बच्चों के लिए। सेक्शन है मैं जा रहा हूँ, ये सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला सेक्शन है जो कि फूड कोर्ट है। स्पेशली फूड के ही सारे यहाँ पे ऑप्शन है एंड इंटरटेनमेंट भी है। वन ऑफ फन सिटी सामने लिखा हुआ है, आई विल शो डाउट इनॉक्स है सिनेमा मूवी देखने के लिए। और ऊपर वाला सेक्शन आई एम रॉन्ग, एक ऊपर सेक्शन भी खुल गया है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट डैट। तो ये सारी चीज़ें सॉरी गाइस, तो लास्ट ऑप्शन जो है उसके ऊपर भी है। वो जब मैं आया करता था, जब मैं लास्ट आया था उस वक्त तक ऊपर वाला सेक्शन जो है नहीं था। सो ही गाइस फिलहाल जेड्स मार्केट मैं फूड कोर्ट एरिया में हूँ, और ये फूड कोर्ट चारों तरफ एंटायरली यहाँ टोटली जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो सारे मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ, चलिए आपको दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ से मैं आया था, लेट्स गो फ्रॉम हेयर। ये काइंड ऑफ एक इंट्रेंस टाइप का बना रखा है, एंड ये गोल सा जो एरिया है इसमें छोटे छोटे जो है आपको रेस्टोरेंट चैंस हैं, जैसे वाओ और पता नहीं क्या क्या नाम है। सबवे ऑब्वियसली फेमस है, कुछ ऐसे हैं जो लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडिया लेवल पे हैं, कुछ ऐसे जो वर्ल्ड लेवल पे नोन ब्रांड्स हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, एंड यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक्वेरियम बना रखा है, मछलियाँ यहाँ पर तैर रही हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो ये कानपुर के अंदर है, जेडिस्पर मॉल के अंदर है। गाइस डोमिनोज से बने हुए नेचुरल लाइटिंग के लिए बने, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सामने केएफसी है, ऑब्वियसली बहुत फेमस है केएफसी यहाँ भी और ओवरऑल सभी जगह। सो ये रहा पिज़्ज़ा हट देन केएफसी, सो लेट्स हैव ए लुक इसके सराउंडिंग में। तो केएफसी में उतनी सीटें भरी नहीं है, खाली है, इतने लोग नहीं है। और ये रहा पिज़्ज़ा हट, दैट इज़ ऑल्सो नॉट मच पीपल इज़ इनसाइड। सो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। पहले तो मैं देख रहा हूँ कि किस में जाना चाहिए, सो मैं ढूंढ रहा हूँ। ऑब्वियसली हर जगह सीट खाली है, बैठने की कोई प्रॉब्लम है नहीं एज ऑफ नाउ। रेस्टोरेंट बहुत सारे, एक और रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है। एंड ये रहा बारबेक्यू नेशन, वन ऑफ मोस्ट फेमस बुफे सिस्टम है, एंड यहाँ से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। एंड बर्गर किंग, यहाँ की आइसक्रीम तो वन ऑफ माई फेवरेट है। सो कॉफ़ी वगैरह ऑप्शन है, फेम ग्रिलिंग सिंस 1954। तो ये है एंड, यहाँ के बाद ये फ्लोर का एंड होता है। तो ये रहा ह्यूज इंट्रेंस, जहाँ से मैं थोड़ी देर पहले इंट्री किया था, आपने देखा था मॉल का स्टार्टिंग यहाँ से होता है। एंड इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, सो ये सराउंडेड
उसके ऊपर का रूफ है और इसके ऊपर का फ्लोर में पहले कुछ नहीं होता था, बाकी कुछ चीज़ें खुल गया है, लेट्स फाइंड आउट आल्सो। तो फिलहाल सो अली अभी क्या करना है, क्या खाना है, इधर आ जाए, इधर आ जाए, क्या खाना है? देखो बर्गर की ऑप्शन है, ओके, देन पिज़्ज़ा ऑप्शन है, डोमिनोज उधर ऑप्शन है, इधर खाना है या फिर किधर खाना है, बारबेक्यू नेशन है एंड KFC ऑप्शन है, जल्दी बताओ। नहीं तुम बताओ, यहाँ चारों तरफ सारे खाने भी पिज़्ज़ा खाते हैं, ओके तो पिज़्ज़ा खाते हैं। फाइनली अली और मैंने मिल के डिसाइड कर लिया कि अभी हमें खाना क्या है, तो हम लोग खाने जा रहे हैं, ये रहा पिज़्ज़ा हट, एंड फाइनली पिज़्ज़ा हट के अंदर जा रहे हैं, सो लेट्स गो पिज़्ज़ा हट के अंदर चलते हैं। ये वाला रहेगा बॉस, वेजी फीस 249 पर्सनल फोर स्पाइसेस, पर्सनल फोर स्लाइसेस, सॉरी स्पाइसेस। क्या पियोगे बताओ, क्या पियोगे, पेप्सी पियोगे, सेवन अप क्या पियोगे, जस्ट पेप्सी हो गया, दो पेप्सी, थैंक यू। सो गाइस ऑल डन, लेट्स, अच्छा ये तुम्हारी पसंदीदा सीट, ओके 15 नंबर है अपनी, ये रहा अपना कुक गाइस, हमारा आ गया पिज़्ज़ा एंड ये रहा कोक एंड ये रहा सामने अली और मैं रहा, अभी मिलके खाएंगे। अली थोड़ा वीडियो को पकड़ो, ओके तो फिलहाल ये हॉट है, इसे टच नहीं करते, जस्ट वेट इन मिनट, थोड़ा देर इंतज़ार करते, इसका एक सीट लेके देखते हैं, ये तो अच्छा है। सो अली आर यू एक्साइटेड फॉर द पिज़्ज़ा? यस, ओके लेट्स हैव इट पिज़्ज़ा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं उसके बाद। तो क्विक एक मैं आपको लुक दिखाता हूँ ये पिज़्ज़ा हट का जो कि कानपुर में है, और ये रहा मेरा पिज़्ज़ा, साथ में दो कोक और अली और हम दोनों इसको खाने वाले हैं, हमारे लिए काफ़ी है एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ लगा हुआ है, ये आई थिंक स्पाइसेस वगैरह हैं, सो बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा है लुक है, इतने ज़्यादा सीटें भरी नहीं है, नॉट ओवर क्राउडेड। सो चलिए पिज़्ज़ा की शुरू करते हैं, खाते हैं। हो गया है टाइम जाने का, यहाँ से निकलने का, ऑलमोस्ट यहाँ कुछ अभी सीटें खाली हैं। फिलहाल मैं पिज़्ज़ा के बारे में रिव्यू बताऊँ तो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, कोल्ड ड्रिंक एज इट इज़ था, मज़ा आ गया, और मॉल में जो थोड़ा बहुत घूमा आपको दिखाया आपको भी मज़ा आया होगा उम्मीद है। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो गाइस कर लीजिए आप, ताकि आपको नए नए ब्लॉग का जैसे भी थोड़ी देर पहले साउंड सुनाई दिया उसी तरह से नोटिफिकेशन का भी बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको मज़ा आता रहेगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। अभी ब्लॉग अच्छे शूट होंगे, पहले मेरे फ़ोन की कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए क्वालिटी डाउन था, साउंड की भी प्रॉब्लम थी, बट नाउ ऐसा नहीं होगा। सो गाइस अभी चलते हैं कॉफ़ी पीने, यहाँ पे है स्टारबक्स, तो स्टारबक्स से काम चलेंगे, सो लेट्स गो एंड हैव इट कॉफी, इसके बाद फिर मॉल से बाहर निकलेंगे। तो गाइस आज के दिन यही था अली, ऑल डन हो गया, चलो तो अली अभी हम लोग चल रहे हैं कॉफ़ी शॉप, ओके इधर है या फिर घुमा के ले जा रहे हो अली, तो इधर से आ जाना, ये छोटे छोटे यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं और ये कैंडी शॉप है, तो छोटे छोटे मतलब कार्ड्स वगैरह कह सकते हैं यहाँ पे बन रखे हैं, और ये हम लोग हैं सेकंड लेवल पे, वो रहा एस्केलेटर, यहाँ घूम के जाना पड़ता है, यही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये मॉल बहुत पसंद है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग मॉल है, मुझे लगता है ये पूरे यूपी में या फिर यूएस कह सकते हैं कानपुर में। बेबी सॉफ्ट, सो गाइस कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है इसलिए कॉफ़ी शॉप की तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्टली बाहर नहीं जा रहा हूँ, पहले कॉफ़ी पियेंगे कोस्टा में, सॉरी कोस्टा बार बार नाम ले रहा हूँ, स्टारबक में, देन आफ्टर यहाँ से जाएंगे। और ये देखिए हमारे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस, ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है खास मौके पर पीने के लिए, और दीपावली का टाइम ट्रेंड्स, ये रिलायंस का शॉप है, सो आपको एक बार दिखाऊँ ये सारी सजावट, क्या ही खूबसूरत लग रहा है,
थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. व्हाट अ व्यू. तो यहाँ लिखा से विद प्राइड जेड स्क्वायर मॉल इज आवर मॉल योर अल्टीमेट वेकेशन डेस्टिनेशन. ऑब्वियसली ये राइट है. ये सामने मैकडोनल्ड्स का शॉप है. शॉप नहीं कहेंगे, कार्ट टाइप का कहेंगे, जहाँ से क्विक आप आइसक्रीम वगैरह ले सकते हो. तो ये चलते फिरते आइसक्रीम खाने वालों के लिए बेस्ट है. एंड फ्लाइंग मशीन. ओके वो तरफ है. तो गाइस यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं. कैल्विन क्लेन जीन्स, द बॉडी शॉप. और ये सामने रहा काइंड ऑफ एक तरह से झांकी कह सकते हो, जैक एंड जोन्स. तो ये सारे लेडीज कॉस्मेटिक आइटम्स सामने लिफ्ट रहा. और ये भी रहा लेडीज दुकान बीबा, वन ऑफ मोस्ट फेमस इन कानपुर. यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस मिलते हैं. और तो लेडीज़ों को, लड़कियों को पता होगा कि क्या चीज़ यहाँ पे सोच. ये भी एक नया शॉप है, आई डोंट नो, नाइका. ये रहा लिफ्ट, आई मीन सीढ़ी. तो टॉमी हिल्फिगर, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग ड्रेसेस होते हैं. सो फिलहाल आई एम गोइंग टुवर्ड्स कॉफ़ी शॉप, जो कि थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है. ये रहा भाई घोड़ा गाड़ी, और पूरी तरह से खूबसूरत सजाया हुआ वेस्ट साइड. ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड. सो हे गाइस, फाइनली वी हैव रीच इन द स्टारबक्स कॉफ़ी. और ये टाटा अलायंस, टाटा के साथ अलायंस किया हुआ है. एंड चलिए अंदर चलते हैं. ये रहा. तो फिलहाल शॉर्ट बहुत छोटा है क्या? ओके हाँ, ये अरे हाँ अली पियो कॉफी पियो पक्का पीना है तो बताओ. ले लीजिए दो कॉफी. मामी अमीन अमीन डबल ए यस ए एम आई एस डबल ए बी से आप एक काम कीजिए, पेपर कप में दे दीजिए. माइट बी वो बाहर भी जा रही है. सो फिलहाल अली की भी कॉफ़ी हो गई ऑर्डर, एंड मेरी भी कॉफ़ी ऑर्डर हो गई. एंड वी आर यहाँ पे हम पी रहे हैं कहाँ से, स्टारबक्स से ना. कॉस्टा कॉफ़ी तो यहाँ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली स्टारबक्स ऑप्शन है. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये रहा यहाँ का काउंटर जहाँ से सारी चीज़ होते हैं. ये सिटिंग अरेंजमेंट है. एंड अली एंड मैं हूँ. बस यहाँ के बाद सीधे बाहर निकलेंगे. और आज के दिन का यही था.
तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल का एक्सपीरियंस करके। ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिग एंड वन ऑफ द पॉपुलर मॉल्स हैं। और कानपुर में ऐसे तो बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन ये मॉल इसलिए पॉपुलर है कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल से लेके जो मतलब लोकल एंड ऑल काइंड ऑफ शॉप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, हर तरह के ब्रांड्स वगैरह हैं। और ये मॉल थोड़ा सा मेरे घर से तो दूर है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आना वर्थ है। यहाँ पे आपको सभी तरह के ब्रांड और सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और चाहे वो आप डेली नीड्स की शॉपिंग करनी हो, चाहे आप रेगुलर बेसिस हो, या कभी ओकेशनल हो, या कोई सेलिब्रेशन से रिलेटेड हो, या काइंड ऑफ जो भी हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कॉफ़ी एंड फूड ऑप्शंस भी, वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, इवन इंटरनेशनल कुजीन भी है। सो इस वजह से ये मॉल काफ़ी अच्छा है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बस कॉफ़ी पी के एक्सपीरियंस करके इसके बारे में बात बताते हैं, फिर वहीं भी करूँगा ब्लॉग का है। गाइस बने रहिए ब्लॉग को देखिए, हो सकता है थोड़े कुछ और भी चीज़ें जो मैं दिखाऊं, बट उसके बाद ब्लॉग एंड। ओके अलीस, सो हमारे कॉफ़ी के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस ये हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, एक में नाम लिखा है अमीन, एक में नाम लिखा अली। सो ये रही कॉफ़ी, ये रहा मेरी कॉफ़ी, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ। तो भाई नाम इसलिए लिख देते हैं कि कोई मारपीट ना करे, पता चला दो लोग आए कह ये मेरा कॉफ़ी, ये मेरा कॉफ़ी, मेरा कप है। तो नाम लिखने की से पर्पज़ ये होता है कि कभी कभी लोग कॉफ़ी पीते हैं साथ में, उनके कॉफ़ी कप एक्सचेंज हो जाते हैं। आई मीन जैसे मेरा कप कोई और ले लिया, किसी और का कप मैंने ले लिया, तो ये मिस्टेक नहीं होगा। नाम इसमें लिखा हुआ, आप अपने नाम को देख सकते हैं। अब जैसे इसमें मेरा नाम लिख रहा होगा, आमीन लिखा हुआ। तो ये रहा कॉफ़ी, ये रहा ढक्कन। मैंने छोटा कॉफ़ी लिया जानबूझ के स्टार बनकर, तो इसके पीछे रीज़न ये कि मैं इतना ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना चाहता। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ खा लिया है यहाँ पे, बस ये रीज़न। तो गाइस कॉफ़ी का सिप लेता हूँ, बताता हूँ, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो बोलो तुम कुछ बोलो। यहाँ पे हम लोग स्टारबक्स कॉफ़ी पीने आए हैं, देखिए यहाँ पे मेरी कॉफ़ी। तो गाइस ये कॉफ़ी लेके हम लोग निकल रहे हैं, बिकॉज सभी ज़्यादा वो नहीं चाहते, तो अभी स्टार बक्स को छोड़ रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं। तो गाइस फिलहाल ये था स्टारबक कॉफ़ी, टाटा अलायंसेस, और ये कॉफ़ी शॉप के अंदर से मैं बाहर निकल गया, बिकॉज आई हैव टू गो बैक टू माय होम, और ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुका है। यहाँ पे जेड स्क्वायर मॉल में काफ़ी मज़ेदार आज का दिन रहा, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम मैंने गुजारा अच्छा था। मार्क्स एंड स्पेंचर लंदन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ फ्लावर पॉट्स बड़े बड़े लगा रखा है, और क्या ये खूबसूरती से सजा रखा है। ये इंट्रेंस है, और ये सारे चीज़ झांकी वगैरह सजा रखा है। सो गाइस यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, और ये सारे ऊपर के फ्लोर्स आप देख सकते हैं, रूफ वगैरह। सो नाउ टाइम टू मूव, गो बैक टू होम। गाइस बस यहीं पे ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आज के दिन बस यही था, जेड स्क्वायर मॉल स्पेशल ब्लॉग कह सकते हैं आज के दिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इसी तरह से बहुत सारे ब्लॉग आते रहेंगे, और आप इन्जॉय करने वाले हो मेरे ब्लॉग को, बिकॉज पहले जो प्रॉब्लम था वो सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। आई होप अभी मेरी ब्लॉग में आप काफ़ी अच्छा पाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग को और ज़्यादा वो करूँ। और ये गाइस ये देखिए वॉल यहाँ पर बना रखा है खूबसूरत सा, साथ अली ने भी बहुत इन्जॉय किया। एंड नेक्स्ट ब्लॉग कानपुर में एक दो और जगह, अभी कुछ दिन हूँ कानपुर, इसका वापस दुबई जाऊंगा, देन दुबई जाके बहुत सारे अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर माय वाचिंग ब्लॉग, कीप वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, होपफुली यू विल एंजॉय माय ब्लॉग, एंड इट्स टाइम टू मूव, गो बैक टू। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। और अभी का देख सकते हैं चाँद नज़र आ रहा है, ये बाहर का नज़ारा है एग्जैक्टली। सो गाइज दिस इज़ द टाइम टू, ये देखो। सो गाइज ये देखिए कुछ अलग ही चीज़। सो ओके गाइस, टाटा बाय बाय, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग में।